भले ही शिवराज सरकार विकास के लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही हैं। मध्य प्रदेश से मानवता को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। यहां पर जिला अस्पताल से शव वाहन नहीं मिलने की वजह से एक बेटे को अपनी मां का शव मोटरसाइकिल पर बांधकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने को कहा। पुलिस खुद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले गई, बल्कि उसके बेटे को कहा कि वो शव को जिला अस्पताल ले जाए। इसके बाद मृत महिला के बेटे के शव को पोस्टमार्टम ले जाने के लिए सरकारी शव वाहन को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद बेटे ने मां के शव को रस्सी के सहारे बाइक में बांधकर जिला अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। पिछले साल ऐसा ही मामला झारखंड के गोड्डा जिले के सदर अस्पताल में सामने आया था, जहां एक लाचार बाप अपनी बच्ची की लाश को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए दिखाई दिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सत्ता के सिंहासन पर बैठे मंत्रियों के इन घटनाओं को देखकर दिल क्यों नहीं पसीजते। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।